मध्य प्रदेश के इन दो दिग्गज विधायकों को देना होगा विधायक से इस्तीफा, ये है बड़ा कारण। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इन दो दिग्गज विधायकों को देना होगा इस्तीफे के विषय में। कौन कौन से विधायक है और क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। आइए बढ़ते अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरी अपडेट को विस्तार से। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायक बागी हो गए थे। कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह, राम निवास रावत और निर्मला सप्रे ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसमें कमलेश शाह ने छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा से विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बाकी दोनों अभी विधायक बने हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी इस्तीफा नहीं देने वाले इन दोनों विधायकों पर कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने के मूड में है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में जाने वाले विजयपुर से एमएलए रामनिवास रावत और बीना विधायक निर्मला सप्रे ने के खिलाफ कांग्रेस ने लीगल एक्शन की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इन दोनों विधायकों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने के बावजूद रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे ने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दोनों विधायकों पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। पटवारी ने बताया है कि कांग्रेस से बगावत करने वाले दोनों विधायकों पर कार्रवाई कर उन्हें कर रहे हैं। पटवारी ने कहा कि रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन दोनों ने अब तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस जल्द ही इन मामले में लीगल एक्शन लेगी।